हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन की, यानी ई टू दी पावर एक्स और लॉग से रिलेटेड जो फंक्शन होगा उसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करते हैं उसको आज हम लोग देखेंगे। और उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, लॉगरिथमिक का कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं जो कि यूज होगा। तो आइए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग लॉग का हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको पहला नंबर याद होना चाहिए कि अगर लॉग के साथ दो चीज़ें अगर मल्टीप्लाई में हो, ए इंटू बी, अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई में हो, और जब भी हम लोग कैलकुलस पढ़ रहे हैं तो लॉग अगर मैं लिख रहा हूँ तो बेस में समझो क्या है, ई है, ठीक है। यहाँ ln या फिर ln बोल सकते हैं, ln लॉग ए इंटू बी इज इक्वल टू क्या होगा, अगर लॉग के साथ दो चीज़ें मल्टीप्लाई में हो तो उसको हम लोग प्लस में लिख सकते हैं, लॉग ए प्लस log b, और बेस में क्या रहेगा, e रहेगा, ठीक है। या फिर आप ln भी यूज कर सकते हैं। सेकेंड नंबर log, अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई में ना होकर डिवाइड में हो, अब कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो, तीन चीज़ें मल्टीप्लाई हो तो ए बी इंटू सी हो तो फिर क्या बोलेंगे, log a प्लस log b प्लस log c, अगर a इंटू बी इंटू सी इंटू डी हो तो क्या बोलेंगे, log a प्लस log b प्लस log c प्लस log d, इस तरह से, ठीक है। डिवाइड में क्या होगा, अगर दो चीज़ें अगर डिवाइड में है तो इसको हम लोग माइनस में लिख सकते हैं, log a माइनस log b, इस तरह से, अब बेस में तो e रहेगा ही है। अच्छा, थर्ड नंबर अगर हम लोग बोले कि log है, इसमें क्या है जो हमारा आर्गुमेंट है उस पर कुछ पावर है n, तो ये क्या होगा, ये पावर बाहर आ जाता है, यानी n इंटू log x, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। और एक है बेस चेंज थ्योरम प्रॉपर्टी, कि जैसे मान लो log a है और बेस में क्या है, b है, तो हम ये चाहते हैं कि बेस में b ना हो क्योंकि बेस में हमको e चाहिए है, तो हम क्या करेंगे कि ऐसे लिख सकते हैं इसको, log a अपॉन log, और इसका जो बेस है वो लिख देंगे यहाँ पे, और आपको जो बेस चाहिए वो लगा देना है, लेकिन दोनों जगह बेस सेम लगाना है। जैसे बेस टू चाहिए तो यहाँ भी टू लिखेंगे, यहाँ भी टू लिखेंगे, जैसे बेस में ई चाहिए तो यहाँ भी ई लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे, जो बेस आपको चाहिए वो यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन दोनों एक एक ही होना चाहिए बेस। अगर मैंने यहाँ पर कोई बेस नहीं लिखा है तो यहाँ पर क्या है, ई छिपा हुआ है, क्योंकि हम लोग कैलकुलस पढ़ रहे हैं। अच्छा, फाइव नंबर अगर ऐसा हुआ कि लॉग एक्स हो और यहाँ पर बेस में कुछ नहीं तो ई है, और यहाँ पर मान लो कि ए लिखा हुआ है, मान लो चलो y लिख देते हैं, y, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि x का वैल्यू अगर निकालना हो, तो x निकालना हो तो यहाँ पे जो e छिपा हुआ है तो e टू द पावर y हो जाएगा, क्या हो जाएगा, e टू द पावर y। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये ऐसा हो जाएगा, अगर log x इज इक्वल टू y है तो x का जब वैल्यू निकालेंगे तो e टू द पावर y हो जाएगा, इस तरह से। सिक्स नंबर कि अगर मान लो कि यहाँ पे a है और ये है log, यहाँ पे b है और बेस में a ले लेते हैं, तो यहाँ पे जो क्या बचेगा कि ये एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में a के पावर में, a के पावर log b और बेस में a है, तो जो बेस है वही सेम चीज़ है, log का अगर बेस रहे तो सिर्फ यहाँ पे जो आर्गुमेंट होगा यानी कि पैरामीटर जो होगा वही बचेगा, तो ये भी प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है। तो ये था कुछ प्रॉपर्टी जो आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लें, मैं अब क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। तो डिफरेंशिएशन भी कर ही लेते हैं, डिफरेंशिएशन क्या होता है लॉग का, तो लॉग का जो डिफरेंशिएशन होता है, लॉग एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है कितना होता है, 1/x, ये उस लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x होता है जिसके बेस में ई हो या फिर ln हो, या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ln x, तो ln x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x हो, तो ln x हो या फिर log x हो, दोनों बात एक ही है, कब, जब लॉग के बेस में ई हो तो। और अगर बेस में ई ना हो, जैसे log x बेस में a है, बेस में क्या है, a, और हमें डिफ्रेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x और इनटू में यहाँ पे log a, इस तरह से ये याद रखना है कि अगर log के बेस में e हुआ तो डिफरेंशिएशन 1/x, लेकिन अगर बेस में e ना होकर कोई अदर वैल्यू आ गया, जैसे 2 आ गया, 3 हो गया बेस में, तो वहाँ पर क्या बोलेंगे कि 1/x तो लिखेंगे और इनटू में नीचे में क्या लिखेंगे, log a भी लिखेंगे, जैसे यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ पे log 2 लिखेंगे, इस तरह से। और एक्सपोनेंशियल यानी ई टू द पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, ई टू द पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, ई टू द पावर एक्स ही होता है, और ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए। तो इन सब यही इन्हीं तीन का, लॉग, ई टू द पावर एक्स और ए टू द पावर एक्स, इन्हीं तीनों का हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे। तो ए के पावर एक्स वाला फॉर्मूला कब यूज होता है,
जब कांस्टेंट के पावर वेरिएबल हो, जैसे जैसे 2 के पावर x आ गया, 2 के पावर x, तो ये a के पावर x के फॉर्म में है, तो a के पावर x के फॉर्म में है तो ये वाला फॉर्मूला काम करेगा। a की जगह कितना है, 2 है, और x की जगह x है, तो a के पावर x का फॉर्म ये इस पे अप्लाई हो जाएगा, और e के पावर x तो e के पावर x ही रहता ही रहता है। तो ये था कुछ बेसिक चीज़ें जो हम लोग क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो ये यूज करेंगे। तो फिलहाल अब हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये सभी क्वेश्चंस हैं, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ताकि आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा फॉर्मूला यूज कैसे करते हैं जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को क्या करना, डिफरेंशिएट करना किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये हमारा फंक्शन है, सबसे पहला काम होता है इसको वाई मान लेना, लेट वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स क्यूब। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, ये जो भी क्वेश्चन है वो इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। तो जब भी क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करना हो तो ऐसे क्वेश्चन को, तो हम पहले वाई मान लेते हैं, और ये लिखने का मार्क्स मिलता है, ध्यान रखना है बोर्ड एग्जाम में। तो लेट y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स क्यू, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। इस बात को लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन dy/dx। अब हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन पहचानते हैं किस फॉर्म में है, तो e टू द पावर x के फॉर्म में है, e टू द पावर x के फॉर्म में है, और x की जगह क्या है, x क्यूब है। तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, इतना ही होता है, तो e टू द पावर x क्यूब ही हो गया। ये तो अभी e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन किए थे, अब किसका करेंगे, x क्यूब का। तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 3x², ये तो क्यूब का किए थे, अब x का, तो x का कितना होता है, 1। तो फाइनली ये आंसर हो गया कितना, 3x² e^x³, ये हो गया आंसर। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। और अगर हम लोग सेकंड क्वेश्चन की बात करें, सेकंड में, तो सेकंड में ये है कि y मान लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू sin inverse e^x। तो यहाँ पे पहले किसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, पहले साइन को, फिर साइन इनवर्स को, फिर e^x को। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन dy/dx इज इक्वल टू, इस साइन का डिफरेंशिएशन cos, और जो एंगल है वही एंगल लिखेंगे हम लोग, और फिर क्या करेंगे, फिर इनटू का साइन देंगे। फिर अब साइन को डिफरेंशिएट कर दे तो उसको भूल जाएंगे। अब साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 − x², तो x की जगह क्या है, e टू द पावर x है, तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर x का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, e^2 हो जाएगा। फिर इनटू में साइन इनवर्स का भी हो गया e^x का, तो e^x ही हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, सजा देंगे, तो ऊपर में कौन है, ये और ये है, तो छोटा वाला टर्म वो आगे लिख लेते हैं, और ये हो गया कॉस साइन इनवर्स e^x अपॉन में क्या आ जाएगा, √1 − e^2x, तो ये हो गया आंसर। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। अगर हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन और भी आसान है, इसमें लिखा हुआ रूट के अंदर e^√x, तो पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा, पहले बाहर वाले रूट का डिफरेंशिएशन होगा, फिर e^√x का डिफरेंशिएशन होगा, उसके बाद e^√x का हो चुका, फिर √x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे तीसरा नंबर है y मान लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू √e^√x, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन dy/dx इज इक्वल टू रूट का, पहले बाहर वाले रूट का, तो रूट का होता है 1/√x, तो 1/√x, x का जगह क्या है, e^√x है, इनटू रूट का हो चुका है, अब क्या दिख रहा है, e^x, तो e^x का डिफरेंशिएशन इतना ही होता है, तो e^x, x की जगह √x है, इसलिए हमने √x लिखा, फिर इनटू e का भी हो चुका है, अब √x का, तो √x का 1/√x, अब रूट का भी हो चुका है x का, तो x का क्या होता है 1। तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा, ये 2 × 2 = 4 हो जाएगा नीचे 4, ये √x छोटा लग रहा है आगे लिख लेते हैं, और ये √e^√x, और ऊपर में क्या आ जाएगा, e^√x, तो ये हो जाएगा आंसर। ये e^√x रूट में है, तो चाहे तो हम इससे काट सकते हैं, ऊपर में बच जाएगा e^√x, फिलहाल हम यहाँ पे आंसर छोड़ रहे हैं। अच्छा, अगला हम लोग देख लेते हैं, कौन सा, ये हो चुका, अब फोर्थ नंबर देख लेते हैं। फोर्थ में क्या है, लेट y इज इक्वल टू a^√x², इसको डिफरेंशिएट करना है, तो पहले इसको डिफरेंशिएट करने से पहले हमें लिखना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy/dx इज इक्वल टू है, तो इज इक्वल टू का साइन देंगे। अब ये किस फॉर्म में है, अब ये a के पावर x के फॉर्म में है, और x की जगह क्या है, x² है, तो a के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a के पावर x इंटू log a, और a की जगह a ही है,
तो ये तो अभी ए के पावर एक्स का किया था, किसका करेंगे एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, तो ये इसका डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो चुका है। अब इस 2x को हम आगे लिख लेते हैं, 2x इंटू ए एक्स स्क्वायर इंटू लॉग ए, तो ये हो गया इसका आंसर। और कभी भी हम लॉग लिख के छोड़ दें तो बेस में क्या समझना है आपको, ई है, जब भी हम लोग कैलकुलस पढ़ रहे हैं। तो अब लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर इसका, तो ये 5 नंबर क्या है, यहाँ पे यू वाई भी लगेगा, क्यों, क्योंकि ये ऊपर भी एक कुछ फंक्शन है, नीचे भी कोई फंक्शन है, और दोनों क्या है वेरिएबल है, तो यू वाई भी हम लोग लगाएंगे। तो यू वाई भी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है फॉर्मूला, डेनोमिनेटर का स्क्वायर हम लोग नीचे लिखते हैं, फिर ऊपर में नीचे वाले को छोड़ देते हैं, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करते हैं, और फिर माइनस ऊपर वाले को छोड़ देते हैं और नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो पहले हम इसको y मान लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू e टू द पावर x tan x प्लस 1 अपॉन, ये हो जाएगा tan x। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx, और हम लोग कैसे फॉर्मूला याद किए थे यू वाई वी का, कि नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, तो ये हो गया नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, और फिर नीचे वाले फंक्शन को हम लोग छोड़ देते हैं, फिर इनटू ऊपर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, तो ऊपर वाला फंक्शन दो टर्म है, तो इसको हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे। अब पहले वाले टर्म को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वो यू इंटू वी के फॉर्म में है, तो अब यहाँ पे यू इंटू वी लगाना पड़ेगा, तो पहले को छोड़ देंगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस, फिर दूसरे को छोड़ देंगे और पहले का डिफरेंशिएशन, ये हो गया पहले को छोड़ दिए, अच्छा दूसरे का डिफरेंस, यानी कि tan x का डिफरेंस तो sec स्क्वायर x होता है, देखो पहले को छोड़ दिए, दूसरे का डिफरेंशिएशन tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x, फिर प्लस, फिर दूसरे को छोड़ दिए और पहले का डिफरेंशिएशन, तो e के पावर x का e के पावर x ही होता है, तो ये हो गया इसका कंप्लीट, इसका डिफरेंशिएशन कंप्लीट हुआ है, फिर प्लस ये पहले वाले टर्म का डिफरेंशिएशन हो गया, फिर प्लस, अब 1 का डिफरेंशिएशन 0। तो अब इसको हम लोग थोड़ा सजा लेते हैं, तो e के पावर x हमें कॉमन दिख रहा है, तो e के पावर x को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो एक मिनट, ये नीचे वाले का स्क्वायर किए, नीचे वाले को छोड़ दिए, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन हो गया है, अभी एक टर्म और बचा रह गया है माइनस, फिर ऊपर वाले को छोड़ देंगे, ऊपर वाला क्या है e टू द पावर tan x, सॉरी e टू द पावर x इंटू tan x, e टू द पावर x इंटू tan x और प्लस 1, तो ऊपर वाले को छोड़ दिए, अब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे वाला डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x, तो ये हुआ इसका कंप्लीट डिफरेंशिएशन। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हमको दिख गया कि e के पावर x, यहाँ पे e के पावर x इसमें कॉमन जा रहा था, e के पावर x हम बाहर निकाल सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा हम सजा लेते हैं, तो क्या लिखेंगे e टू द पावर x इंटू tan x और मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x और प्लस tan x बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा sec स्क्वायर x को आगे लिख लेते हैं, और ब्रैकेट के अंदर e के पावर x इंटू tan x प्लस 1, और अपॉन में क्या है अपॉन में tan स्क्वायर x, तो ये हो गया इसका आंसर। आप लोग मल्टीप्लाई करके भी चाहे तो सॉल्व कर ले सकते हैं, ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये हो गया फिलहाल इसका आंसर। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो हमारा अगला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये 3 क्वेश्चन है, ठीक है, हमें क्या करना है डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग क्या करेंगे पहले y मान लेंगे, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन जो इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, तो पहले y मान लेते हैं, मान लो हमने पहला क्वेश्चन उठाया और हमने y मान लिया, y इज इक्वल टू log x स्क्वायर अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1, अब इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, तो जब भी हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हमारा काम आसान हो, डिफरेंशिएशन आसान हो, तो यहाँ पे हमें क्या दिख गया कि log दिख गया और अंदर में दो चीज़ें जो है दो फंक्शन जो है मल्टीप्लाई में, दो चीज़ें ये क्या है मल्टीप्लाई में है, तो लॉग के साथ अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई में हो तो लॉग का प्रॉपर्टी हम लोग लगा सकते हैं, वैसे तो बिना प्रॉपर्टी लगाए भी बना सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या होगा क्वेश्चन आसान हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है। हाँ प्रोसेस अलग तो आंसर अलग आता है, तो घबराने वाली बात नहीं है। अच्छा तो चलिए हम यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाते हैं, अभी हम डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं इसलिए डिफरेंशिएशन हम नहीं लिख रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं इसमें लॉग का प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, कौन सा प्रॉपर्टी लॉग ए इंटू बी, तो ये ए है ये बी है, तो क्या बताया गया था लॉग ए इंटू बी में कि दोनों को प्लस में अलग अलग लिख देंगे, लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसा लिख देंगे हम लोग, तो ये हो गया लॉग ए प्लस बी का ए इंटू बी का प्रॉपर्टी लगा दी हमें यहाँ पे। यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी लग सकता है क्या कि ये 2 बाहर आ सकता है, तो ये हो जाएगा 2 बाहर, तो 2 लॉग एक्स हो जाएगा, यहाँ पे इस पे पावर कितना है, जब भी रूट एक्स लिखा होता है तो इसका क्या मतलब एक्स पावर 1/2, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसके पावर कितना लिखा हुआ 1/2, तो 1/2 पावर क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये चीज़ें बचेगा। अब यहाँ पे और कोई प्रॉपर्टी नहीं लग सकता, तो हम क्या करेंगे इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। अब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिखेंगे इस बात को कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये चीज़ें हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन नहीं किए हैं,
तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई टू बाहर रहेगा log का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स एक्स का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 फिर इंटू में ब्रैकेट के अंदर वाले का तो ये हो जाएगा 2x प्लस 0। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि ये बच जाएगा 2 बाई एक्स प्लस 1 बाई टू और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ कितना बच जाएगा यहाँ बच जाएगा सिर्फ 2x। तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा ये वाला 2 ये 2 कट जाएगा। अब यहाँ पे फाइनली क्या दिख रहा है हमें हमें दिख रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 बाई एक्स 2 बाई एक्स और यहाँ पे प्लस में 1 बाई 1 बाई नहीं यहाँ पे x मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा x एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब चाहे तो यहाँ पे एलसीएम भी ले सकते हैं तो एलसीएम कितना आ जाएगा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 और ये इधर कितना हो जाएगा x स्क्वायर। तो ये दोनों लाइक टर्म में तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर तो 3x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन में कितना आ जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि log 3 ऑफ log x है log 3 ऑफ log x है तो log 3 ऑफ log x का अच्छा बेस में 3 है बेस में 3 है हाँ बिल्कुल सही है बेस में 3 ही है बेस में 3 है। तो बेस में यहाँ पे क्या है 3 है और log x है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे log का फॉर्मूला तो लगेगा ही लगेगा लेकिन कौन सा वाला दो लॉग था एक था लॉग x जिसका बेस e हो उसका डिफरेंशिएशन होता था 1 बाई एक्स और एक ऐसा लॉग था जिसका बेस होता था a तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता था जैसे लॉग x है तो लॉग x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स जिसका बेस e हो लेकिन अगर बेस e ना हो कुछ अदर वैल्यू हो जैसे a हो तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इसका होता है 1 बाई एक्स लॉग a होता है। इस एक की जगह कोई ऑड नंबर हो सकता है जैसे कि यहाँ पे 3 है तो ये ध्यान रखना है। तो आइए हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन को पहले y मान लेंगे लेट y इज इक्वल टू log बेस में आ गया 3 यहाँ पे आ गया log x तो इस log के बेस में कुछ नहीं लिखे तो मतलब इस log के बेस में e है लेकिन इस log के बेस में क्या है 3 है तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x तो y का डिफरेंशिएशन dy वाई बाई डी एक्स तो इस log का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स एक्स की जगह क्या है log x है तो यहाँ क्या लिखेंगे log x इंटू log a a का मतलब 3 तो ये हो जाएगा log 3 फिर इंटू में तो ये सब लॉग का डिफरेंशिएशन हो गया। अब इस लॉग एक्स का तो इस लॉग एक्स का 1 बाई एक्स चूंकि इसके बेस में ई है तो यहाँ पे ये फॉर्मूला जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 1 बाई एक्स लॉग एक्स इंटू लॉग 3 तो ये हो गया इसका आंसर। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम थर्ड की बात करें तो यहाँ पे देखते हैं कि लॉग के साथ जो अंदर आर्गुमेंट्स है वो क्या है डिवाइड में है दो चीज़ें डिवाइड में है तो यहाँ भी एक लॉग का प्रॉपर्टी हम लोग लगा सकते हैं। तो बिना लॉग का नहीं बना सकते क्या बना सकते हैं लेकिन थोड़ा टफ हो जाएगा तो हम यहाँ पे लॉग का प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो y इज इक्वल टू लॉग यहाँ पे लिखा हुआ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स। लॉग का प्रॉपर्टी लगाने से पहले हमें एक चीज़ और दिख गया क्या कि इसको अगर हम रेशनलाइज कर दें तो और आसान हो जाएगा। रेशनलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि ये जो टर्म दिखा हुआ है ये और ये दो टर्म जो माइनस में है तो इसको प्लस में लेते हुए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये और भी आसान हो जाएगा। तो क्यों ना हम इसको रेशनलाइज कर देते हैं अंदर ही अंदर। तो जैसे ही रेशनलाइज करेंगे तो प्लस वाले के साथ ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो चीज़ ये चीज़ें क्या हो जाएगा उसका होल स्क्वायर हो जाएगा यानी कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स का ये आ जाएगा स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा इस पर स्क्वायर आ जाएगा और बीच में यहाँ पे माइनस रहेगा तो ये और ये कट जाएगा क्या बचेगा सिर्फ ए स्क्वायर बच जाएगा तो नीचे बच जाएगा ए स्क्वायर। मैंने दो लाइन बचा लिया है आप लोग रेशनलाइज करके देख लीजिएगा इतना ही आएगा। तो रेशनलाइज कर लिए अब हम क्या देखते हैं कि दोनों पे स्क्वायर है तो होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर। अब क्या देखते हैं कि एक प्रॉपर्टी और लग सकता है लॉग का जो भी आर्गुमेंट है उस पर पावर है तो लॉग एक्स के पावर एन जैसा है तो एन क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा। ये डिफरेंशिएशन नहीं है ये क्या है लॉग का प्रॉपर्टी है इसलिए अभी तक हम लोग डिफरेंशिएशन नहीं किए क्योंकि लॉग का प्रॉपर्टी अभी लगता जा रहा है तो ये अभी लॉग का प्रॉपर्टी लगा है। तो
तो अभी और प्रॉपर्टी लग सकता है, लॉग ए बाई बी जैसा है ये, तो लॉग ए माइनस लॉग बी लिख सकते हैं। तो ये इक्वल टू वाई इक्वल टू जगह टू, तो ब्रैकेट में आएगा इस तरह से लॉग ए माइनस लॉग बी। तो लॉग ए, ए का मतलब अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, ये हो गया लॉग ए, और फिर माइनस लॉग बी, माइनस लॉग बी लॉग ए हो जाएगा। अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो अब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई का क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो ये टू कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा ब्रैकेट में। अच्छा, तो इस लॉग का डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स, तो वन बाई एक्स की जगह क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस में एक्स आ जाएगा, तो वन बाई एक्स हो गया। फिर इंटू का देंगे, इंटू यहाँ पे क्या लेंगे, इंटू लेंगे, और फिर ब्रैकेट के अंदर वाले का, तो ब्रैकेट के अंदर वाले कैसे करेंगे, ये पहले रूट का होगा इस वाले टर्म का, तो इस वाले टर्म रूट है, तो रूट का क्या होगा, वन बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये भी रूट का किया था अंदर वाले का, तो कितना हो जाएगा, अंदर वाले का टू एक्स प्लस जीरो हो जाएगा, फिर प्लस में कितना, प्लस में वन, और इसका डिफरेंशिएशन माइनस में कितना हो जाएगा, जीरो, ये लॉग ए है, लॉग ए में तो एक्स है नहीं, तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो गया। तो ये हो गया कंप्लीट इसका डिफरेंशिएशन। अब हम लोग थोड़ा एलसीएम मॉडल लेके इसको सिंपल करते हैं, तो इसका तो कोई मतलब है नहीं, हम मेनली इस पे फोकस करते हैं। तो ये चीज़ें लिखा हुआ है, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस एक्स, ये तो ये वाला आ गया। अब इनटू में यहाँ पे क्या देखते हैं कि इस जीरो से कोई मतलब है नहीं, ये टू और ये टू कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वन बचेगा। अच्छा, अब हम जैसे यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा नीचे और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर में जो टर्म आएगा वो टर्म और ये टर्म बिल्कुल सेम आएगा, तो हमारे पास आंसर क्या, तो ये और ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, टू बाई, इतना आंसर आ जाएगा, तो आ जाएगा टू अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये हो गया आंसर। मैंने यहाँ पे एक लाइन छोड़ दिया है, वो आप चाहे तो यहाँ पे एलसीएम वगैरह लेके लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यही चीज़ें यहाँ पे आ जाएगा, तो ये और ये कट जाएगा, ये बच जाएगा और ऊपर में टू तो है ही, तो ये हो गया आंसर। तो अगला हमारा क्वेश्चन है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको भी क्या करेंगे, पहले वाई मान लेंगे, क्यों, क्योंकि ये इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, तो अगर हम वाई मान भी लेते हैं तो फिर क्या करेंगे, क्या डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना बेवकूफ़ी होगा क्योंकि बहुत लंबा जाएगा ये, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले लॉग का प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं, दो चीज़ें, एक ये है और एक ये है, ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो हम क्या करेंगे, इसको लॉग का प्रॉपर्टी लगा देंगे, लॉग ए इंटू बी का, लॉग ए इंटू बी का प्रॉपर्टी लगाने के बाद अगर और प्रॉपर्टी लग सकता है तो उसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो आइए देखते हैं, इसको पहले हमने वाई मान लिया, लेट वाई इधर ही मान लेते हैं, लेट वाई इसे ही मान लिए वाई, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं कि लॉग का प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, तो ये हो गया a, ये हो गया b, तो log a इंटू बी का प्रॉपर्टी क्या होता है, log a, ये हो गया log a प्लस log b, b का मतलब x माइनस टू अपॉन x प्लस टू के पावर 3/4, ये हो गया log a प्लस log b। अच्छा, अब यहाँ पे क्या देखते हैं कि log e के पावर x है, तो x बाहर आ जाएगा, ये बच जाएगा log e, और log e का वैल्यू कितना होता है, 1, कब, जब बेस में e हो, तो चूंकि यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं लिखा, तो क्या बेस में e है, तो log e के वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 प्लस, ये हो जाएगा log, अब यहाँ भी प्रॉपर्टी लगेगा कि पैरामीटर पे ये पावर आ रहा है, तो log x टू द पावर n का, तो n आ जाता है बाहर, ये डिफरेंशिएशन नहीं है, ये क्या है, log का प्रॉपर्टी है। अब ये हो गया x प्लस टू, अब हम लोग क्या देखते हैं कि ये तो सिर्फ x बच जाएगा यहाँ पे, log e का कोई मतलब है नहीं, log e तो 1 हो गया, प्लस 3/4, यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी लग सकता है लॉग ए बाई बी का, तो 3/4 बाहर रहेगा, और ब्रैकेट में लॉग ए, ए का मतलब x माइनस टू माइनस लॉग बी, बी का मतलब x प्लस टू, जब दो चीज़ें डिवाइड में हो तो लॉग ए माइनस लॉग बी, ये प्रॉपर्टी होता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, अब तो कोई प्रॉपर्टी नहीं लगने वाला, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई dx, x का डिफरेंशिएशन 1, 3/4 कांस्टेंट बाहर रहेगा, log का डिफरेंशिएशन 1/x, यानी x माइनस टू, तो ये तो अभी log का किए था, अब x माइनस टू का, तो इन टू में क्या हो जाएगा, 1 माइनस जीरो, फिर माइनस इस log का 1/x, x का मतलब x प्लस टू हो जाएगा, इन टू में 1 प्लस जीरो, तो ये इसका हो गया डिफरेंशिएशन। अब इसको सॉल्व कर देना है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो चलो सॉल्व भी कर लेते हैं कि dy by dx इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 प्लस 3/4, और ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है, 1 अपॉन एक्स माइनस टू
और यहाँ पे आ रहा है माइनस में, माइनस में क्या आ रहा है वन अपॉन एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू। अब यहाँ पे एलसीएम वगैरह ले लेते हैं, थ्री बाई फोर एलसीएम कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस टू और माइनस एक्स प्लस टू हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो साइन भी तो चेंज करेंगे, इसलिए एक्स प्लस टू हो जाएगा। तो ये एक्स कट जाएगा, तो टू प्लस टू कितना हो जाएगा फोर, तो वन प्लस थ्री बाई फोर और इंटू में कितना आ रहा है फोर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर, तो ये फोर और फोर कैंसिल हो जाएगा, फोर और फोर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा वन प्लस ये थ्री मल्टीप्लाई करें थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर, और एलसीएम ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर ये हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर प्लस थ्री, तो फाइनली क्या दिखेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो अगला क्वेश्चन है इफ वाई इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स प्लस रूट अंडर वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, हमें डी वाई डी एक्स निकालना है कहाँ पे एट एक्स इक्वल टू जीरो पे। इसका मतलब ये होता है कि पहले हम लोग ये जो लिखा हुआ है डी वाई बाई फाइंड डी वाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो का मतलब ये हुआ कि पहले हम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे डिफ्रेंशिएट करके, और जहाँ भी एक्स होगा उसका जगह क्या रख देंगे जीरो रख देंगे। कब? पहले डी वाई डी एक्स निकालेंगे फिर एक्स की जगह क्या रख देंगे जीरो। तो इस चीज को ऐसा भी लिखा जा सकता है कि डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, ऐसा भी लिखा हो तो भी इसका मतलब यही होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले डी वाई डी एक्स निकालना पड़ेगा, और डी वाई डी एक्स निकालने का मतलब है इसको डिफ्रेंशिएट करना, तो पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, और यहाँ पे वाई मानने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पहले से इक्वेशन के फॉर्म में है। तो हम यहाँ पे ले लेंगे क्या कि वाई इज इक्वल टू जो दिया हुआ ए के पावर एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, तो यहाँ पे कोई लॉग वगैरह ये सब का तो प्रॉपर्टी लग नहीं रहा, तो डायरेक्टली हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए, और फिर प्लस ये पहले रूट का डिफरेंशिएशन होगा तो वन बाई टू रूट एक्स, वन बाई टू अंडर रूट वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, फिर इंटू में रूट के अंदर, तो रूट के अंदर यू आई वी के फॉर्म में, तो नीचे वाले का स्क्वायर वन माइनस एक्स का स्क्वायर नीचे वाले को छोड़ देंगे, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन यानी कितना हो जाएगा जीरो प्लस वन, फिर माइनस, फिर ऊपर वाले को छोड़ देंगे यानी वन प्लस एक्स, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा जीरो माइनस वन। तो अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए टू द पावर एक्स लॉग लॉग ए और प्लस ये तो पलट जाएगा तो वन बाई टू अंडर रूट वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, और चूंकि ये प्लस वन है तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही रहेगा यानी कि वन माइनस एक्स रहेगा माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ क्या बचेगा वन प्लस एक्स, नीचे कितना वन माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये आ गया। अब यहाँ पे प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया, तो क्या बच रहा है वन प्लस वन टू, तो यहाँ पे आ जाएगा ए टू द पावर एक्स लॉग ए और प्लस वन बाई टू अंडर रूट वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, और यहाँ से कितना आ रहा है वन प्लस वन टू यानी टू अपॉन वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये टू कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोगों को ज़्यादा सॉल्यूशन करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्यों, क्योंकि अब हम क्या करेंगे डी वाई एक्स आ चुका है, अब हम यहाँ पे चाहे तो एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे जीरो, तो हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो ये आ जाएगा कितना डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू कितना आएगा, जहाँ पे एक्स वहाँ पे क्या रखेंगे जीरो रखेंगे, तो यहाँ पे जैसे ही जीरो रखेंगे तो कितना होगा ए टू द पावर जीरो, तो ए टू द पावर जीरो कितना होता है वन, तो क्या बचेगा वन इंटू लॉग ए, तो यहाँ कितना आ जाएगा लॉग ए आ जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे रखेंगे एक्स का जीरो तो वन माइनस जीरो वन, और वन प्लस जीरो वन, और वन बाई वन वन, तो ये आ जाएगा वन, और यहाँ रख देंगे वन तो वन माइनस वन सॉरी एक्स जगह रखेंगे जीरो तो वन का स्क्वायर वन आ जाएगा, यानी ओवरऑल ये कितना आ जाएगा वन आ जाएगा, तो लॉग ए प्लस वन, अब बेस में कितना है कुछ नहीं तो ई है, तो ये हो गया इसका आंसर। तो बस आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में हम लोग कुछ और क्वेश्चन के साथ लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।